सही है। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम आदम जी, ए जे लिमोंगा, स्टॉप इंजन फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका। अच्छा सर, ये आपसे पूछना है, जो आगे ग्रुप है ब्लैक और वाइट, ब्लैक सॉक्स और वाइट सॉक्स और ब्लैक शॉर्ट में, इस ग्रुप के और सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप के बारे में आप बताएंगे? अच्छा, ये हैं गुलशन सॉकर एकेडमी के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। जी जी। जो अंडर 15 के बाद जो ग्रुप पे हैं, हमने डिवाइड किया हुआ अंडर 15, देन अंडर 17, 18, देन उसके बाद अंडर 19 ग्रुप। जो ब्लैक एंड वाइट जो आप देख रहे हो, जो फ्रंट लाइन पे जो रनिंग कर रहे हैं, तो वो है अंडर 19 ग्रुप, गुलशन सॉकर के अंडर 19। जी, ये मेरे सामने से जा रहा है और ये ग्रीन वाला जो है, से प्लेयर जाता है डायरेक्ट टू द क्लब। अच्छा, क्योंकि कंपटीशन टफ है। जी जी। क्योंकि इधर से प्लेयर अगर वो प्रमोट नहीं हो सकता तो क्लब, इसका मतलब वो उसका टाइम ज़ाय होगा, क्योंकि इसके बाद इसके एज भी गुजर जाता है और पीछे बहुत सारे प्लेयर्स भी, उनको फ्रॉम 18 टू बेस्ट स्क्वाड में ही आना होता है जो अंडर 19 के। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, अंडर ग्रीन जो ग्रीन है वो अंडर 19 है, जी, जो जी। लाइट ग्रीन है वो अंडर 15 है। अच्छा, उसमें दो तीन गोलकीपर्स हैं जिनके डिफरेंट कलर्स हैं। जी, थैंक यू सर। थोड़ी सी हम ये जो आप ट्रेनिंग करा रहे हैं प्लेयरों को, इसके बारे में हम आपसे पूछते रहेंगे और आपके साथ रहेंगे। ये हमारे सामने जो मौजूद हैं, आपका ताल्लुक सर कौन से मुल्क से? ईस्ट अफ्रीका, जिबूती। जिबूती, ईस्ट अफ्रीका के ये प्लेयर हैं और माशाल्लाह कराची के और पाकिस्तान के अंदर ये काफ़ी अरसे से रह रहे हैं और इन्होंने माशाल्लाह जो फ़ुटबॉल खेली है कराची और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा, और इंशाल्लाह हम आपको इनसे भी दोबारा मिलाते हैं। कुछ आपको ट्रेनिंग दिखाएँ, उसके बाद आपको हम इंशाल्लाह इनसे मिलाएंगे। थैंक यू।